निगाह बोसी करे, हुकूमते दिल तामीर करे, आवाज़े बुलंद जोशो खरोश हो, हर कदम माफरीन हो, जिल्ले लाही शहंशाह आलम पनाह, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज होते हैं। आगाज हो। जीजा हुजूर की जय हो। यहाँ जीजा हुजूर नहीं है, हम आपके बलदेव। कितनी बार आपको समझाया, ये मुगल दरबार है, आपकी बहन रानी साहिबा का बावर्ची खाना नहीं। क्या रिश्तों के शाही पनीर के साथ आपके जीजा साला का तड़का लगा सके। यहाँ पर हम सिर्फ जिल्ले इलाही हैं और आप वजीर आजम, इस बात को याद रखिए। आप जहाँ पना जुबान जरा फिसल रही है, जुबान के साथ साथ आप खुद भी फिसल रहे हैं। कहिए क्या कह रहे थे आप। बस यही जापना कि आपके इस सेवक बलदेव ने जब से मुगल सल्तनत के वजीर आजम का पद संभाला है, तब से हर तरफ शांति ही शांति है। न कोई फरियाद, न कोई फरियादी, न जुल्म न जालिम। आप तो कई दिनों से देख रहे हैं महाराज कि कई दिनों से फरियादी घंटा ही नहीं बजा। वाह वाह वाह। मुझे पता है बजेगा क्या कद्दू। फरियादी घंटा तो काफी दिनों से खराब पड़ा है पिताजी। क्या ओ हो हमें इतला करने के लिए शुक्रिया वासुदेव। फरियादी घंटा खराब पड़ा है। अब जब तक ये फरियादी घंटा ठीक नहीं हो जाता और ठीक होने के बाद भी नहीं बजता, तब तक हमें अपनी आवाम की चिंता तो होती रहेगी। बलदेव अब तुरंत जाइए और फरियादी घंटे को ठीक करने का इंतजाम कीजिए। जहां पना। वाह वाह। जहां पना की जय हो। जहां पना की जय हो। जहां पना की जय हो। महाराज 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 महारानी ने आपको याद वरमाया है। हाय मेरे लाल, दो दिन में पीला पड़ गया है। दुश्मनों को खून में गीला करके पीला होके आ रहा हूं मां। आपको तो इस पीलेपन पे नाज होना चाहिए। हाँ। अरे रानी साहिबा, आपने हमें ये शहजादे सलीम कहां से आ रहे हैं ना? मत बताइए, हमें ये बताइए कि ये शहजादे सलीम क्या करके आ रहे हैं। हम वो काम करके आ रहे हैं अब्बा हुजूर, जिसे सुनकर आपकी छाती नाच से फूल जाएगी। अभी तो हमारे हाथ और पैर फूल रहे हैं, जरा जल्दी बताइए कि आप क्या करके आ रहे हैं। तो सुनिए अब्बा हुजूर कि आपके ये शहजादे सलीम क्या करके आ रहे हैं। हमने मोहम्मद गजनी से हाथ मिलाकर पोरस पर हमला कर दिया। और वो हमारे जलाल से इतना बौखला गया कि हम पर जवाबी हमला भी नहीं कर पाया। क्या कहा आपने?
आपने मोहम्मद गजनी से हाथ मिलाकर पोरस पर हमला कर दिया। बेवकूफ, आपको पोरस से हाथ मिलाकर मोहम्मद गजनी पर हमला करना था। क्या? पोरस हमारा दुश्मन नहीं है, मोहम्मद गजनी है। अच्छा, ऐसी बात है, मतलब मसला उल्टा पड़ गया। तभी मैं कहूं कि हमले के दौरान पोरस बार बार ये क्यों कह रहा था कि क्या कर रहे हो सलीम, क्यों कर रहे हो सलीम, मत करो सलीम, महंगा पड़ेगा सलीम। अच्छा, तो छोटी सी तो गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना मेरे लाल को, दोबारा नहीं करेगा। छोटी सी गलती, किसी बच्चे की पी पड़ी चुरा कर नहीं आया है वो, जंग छेड़ कर आए हैं, वो भी पोरस से। पोरस, पोरस है वो। अरे बस कीजिए, सुनाई दे रहा है, पोरस है वो। आप क्या कर रहे हो, किस मर्ज की दवा हो, बस एक जगह पर बैठकर आगाज हो बोलते रहते हो। अरे आगाज कभी करो तो, एक छोटी सी जंग नहीं लड़ सकते अपने बेटे के लिए? और नहीं लड़नी है तो मत लड़ो, बस जाके उस पोरस से माफी मांग लो और बोल दो किस्सा खत्म। हाँ, हम माफी मांगे, हम बादशाह अकबर माफी मांगे। हाँ तो क्या हुआ, हमारी माँ हमेशा कहती है माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। और वैसे भी आप पोरस से छोटे ही हैं। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ जिल्लेलाही। नहीं, तुम क्यों माफी मांग रहे हो, माफी इन्हें मांगनी चाहिए, इन्हें। अब सम्राट पोरस का खत आया है। आ भी गया जी। पढ़ो 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 पढ़ो। मुगल सम्राट जनाब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब, हम बस इतना पूछने के लिए खत लिखा है कि क्या आपको पूरा यकीन है कि मोहम्मद सलीम आप ही की औलाद है? तुम पढ़ो। क्योंकि जिस तरह का बेवकूफ और घसियारा ये सलीम है, वो आपकी औलाद तो हो नहीं सकता। तुम पढ़ो। हमारी राय में इसे पैदा करने वाली दाई वाई को टटोलिए, उनसे उगलवाइए कि ये किस अहमक की औलाद है। तुम पढ़ो। इरादा तो आपसे जंग लड़कर आपसे बदला लेने का था, पर फिर सोचा कि जिसकी आपके बेटे सलीम जैसी औलाद हो उससे क्या बदला लेना। आपसे तो किस्मत नहीं इतना बड़ा इंतकाम ले लिया है, हम आपसे क्या बदला लेंगे, कभी आपका दोस्त और अब सिर्फ दुश्मन। तुम पढ़ो। पोरस, हमने कहा भाला दो तो दो। अम्मी जान बचाओ, कोई हमें इस जन्म से दूर ले जाए, बहुत दूर, बहुत दूर। जहां पना बहुत दूर, जहां पना बहुत दूर। जानवर लगता है शेर। सिपाहियों, अपने तीर कमान खंजर भाले तलवारें सब कुछ तैयार कर लो, जानवर नजदीक आ रहा है। जानवर तो नजदीक आ रहा है जहां पना, लेकिन बाकी सारे लोग पीछे ही रह गए। मतलब जब हम निकले थे हमारे साथ हमारा पूरा लश्कर था, हमारे हाथी घोड़े तीरंदाज तलवारबाज सब कोई हमारे साथ में थे, कहां रह गए सब? कब से वही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे जहां पना, आपके बहुत दूर के चक्कर में हम लोग इतने दूर निकल आए कि बाकी सब लोग पीछे ही रह गए, आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो इतना डर क्यों रहे? तुम्हें क्या लगता है कि अगर हमारा लश्कर हमारी हिफाजत के लिए हमारे साथ नहीं, हमारे तीरंदाज हमारे तलवारबाज हमारे साथ नहीं, तो क्या हम डर जाएंगे? क्या मुसीबत, सारे रास्ते एक जैसे दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा। सिपाहियों,
अभी के अभी जाकर किसी से पूछ कर आओ कि महल की तरफ जाने वाला सही रास्ता कौन सा है। गुस्ताखी मुआफ लाही, लेकिन उससे पहले हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा कि जिस पर चलकर हमें कोई ऐसा आदमी मिल सके जो हमें ये बताए कि सही रास्ता कौन सा है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई आदम जात नजर नहीं आता। भूख लग रही है, हम कुछ खाएंगे या नहीं खाएंगे? झापना झापना आदमी आदमी खाएंगे? नहीं नहीं झापना, हमें कोई आदमी नजर आ रहा है, वो देखिए झापना। चलो आओ। अरे भाई आओ 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 आओ। हम यहाँ पर पानी तो पी लीजिए हुजूर। अरे हाँ प्यास भी लग रही है, पिला दो पिला दो। थक गए, प्यास भी लगी, भूख भी लगी, और इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं आप। ये सब तुम्हें कैसे पता? आप हाँफ रहे हैं, मतलब बड़ी दूर से चल के आए होंगे इसलिए थक गए। होंठ सूखे थे तो प्यास भी लगी होगी, पेट पे हाथ सहला रहे हैं यानी भूख भी लगी, और आपकी माथे की उलझन ये साफ बता रही है कि आप परेशान। इन सब बातों का एक ही मतलब है कि मुगल शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर इस जंगल में अपना रास्ता भटक गए हैं और उनका लश्कर भी कहीं पीछे छूट गया। वाह 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 भाई, किस ग्रह से आए हो तुम? आप ही के ग्रह, मतलब आप ही के रियासत का एक छोटा सा आम आदमी, नाम है महेश दास। यही पास के गांव में रहते हैं हम, बगल वाले गांव जाने निकले थे, सोचा कि छोटा रास्ता ले लेते, चलते चलते रात हो गई तो इसी जंगल में रुक गए, और सुबह जब आंख खुली तो पता चला कि हम भी आपकी तरह रास्ता भटक गए। ओहो, तुम भी रास्ता भटके हुए हो। अब ये बताओ कि इस जंगल से बाहर तुम निकलोगे कैसे? जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तो हमने ढूंढ लिया। क्या? हाँ, चलिए। अरे चलो चलो। ये लीजिए महाराज, आ गए जंगल से बाहर। अरे यही यही तो है महल लौटने का रास्ता। हम जंगल में कब से भटक रहे थे और ना जाने कब तक भटकते रहते अगर हम तुमसे ना मिलते। अरे हमें तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से ये रास्ता मिल कैसे गया? आसान था महाराज, हमने जंगल में एक जानवर को देखा, हमने उसे डराया और उसकी तरफ लपक पड़े।
जानवर अपनी जान बचाने के लिए जिस दिशा में भागा, हम समझ गए कि जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल उसकी विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि जानवर अपनी जान बचाने के लिए उसी दिशा में भागेगा जिस दिशा में वो खुद को महफूज महसूस कर सके, यानी कि अपना घर। और जानवर का घर होता है और भी गहरा घना जंगल। तो अगर जानवर और भी गहरे घने जंगल की तरफ भागा है तो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तो उसकी विपरीत दिशा में ही होगा ना महाराज। वाह 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 परेश दास, वाह महेश दास, वही तुम एक बहुत ही जहीन आदमी, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, साथ साथ में तुम्हें इनाम भी देना चाहेंगे। ये इतनी आसानी से कैसे निकल गई तुम? जहाँ पना आप उंगली खींच रहे थे, मैंने अंगूठी खींची है। पता है हमें, ये लो। शुक्रिया महाराज। ए, 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 ये तुम्हारा इनाम नहीं है, तुम्हारा इनाम तुम्हें हमारे महल में मिलेगा। ये तो सिर्फ इसलिए है ताकि जब तुम हमारे महल में आओ और अगर तुम्हें कोई रोके तो उन्हें ये अंगूठी दिखा दे, उन्हें पता चल जाएगा कि तुम बादशाह सलामत को जानते हो। हमारे अभाग्य है महाराज, हम जरूर आएंगे। महल में आके ये लौटा देना हमें, हमारी खानदानी अंगूठी। ये शेर हमें कब से डरा रहा है, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है क्या? है ना महाराज? क्या भागिए। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? हमें महाराज ने महल में बुलाया इनाम देने के लिए। ये देखिए महाराज की अंगूठी, खुद महाराज ने दी हमें। बड़ी अच्छी बात है, पर क्या है कि एक समस्या है, आप महाराज से मिल नहीं सकते हैं, वो व्यस्त हैं। 2 महीने बाद आइएगा, चलिए जाइए। 2 महीने बाद? लेकिन महाराज ने तो मुझे आज ही बुलाया था महल में इनाम लेने के लिए। देखिए भाई साहब, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ, कुछ कीजिए ना। अरे हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। अरे इंसान के हाथ में होता क्या है, कुछ नहीं। मैं अपना घर बनवाने की कब से सोच रहा हूँ, लेकिन धन नहीं है मेरे पास, क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। सोचो भाई साहब, मेरी पत्नी कब से जिद कर रही है कि सोने का हार बनवा दो। अब सोने का हार कहाँ से लाके दे, हमारे पास धन नहीं है, धन चाहिए। अगर आप अपने इनाम में से 20-20% हम दोनों को देंगे तो समझ रहे ना, मतलब हम आपको जो है। आप दोनों उस तरह से आ रहे हैं, मतलब महाराज हमें जो भी इनाम देंगे उसका 20-20% आप दोनों को चाहिए। तो ठीक है, हम आपसे वादा कर दें कि अंदर महाराज हमें जो भी इनाम देंगे उसका 20-20% आप दोनों का। अरे क्या बात है, अबे अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि महाराज के पास आपके लिए वक्त ही वक्त है। आप अंदर जाइए और अपना इनाम दे दीजिए, हम आपको छोड़ के आते हैं। चलिए 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 घर से, आप अंदर जाइएगा। अरे उल्टे समय पे दरवाजा तो खोलने दीजिए। चाहता हूँ मैं तो। छोड़िए, पर हमने तो आपको छुआ भी नहीं। माफी मांगने छोड़िए, गलती तो हमारी थी, हम ही बिना आगे पीछे देखे अपनी धुन में चले आ रहे थे, माफी तो हमें मांगनी चाहिए।
वैसे आपको लगी तो नहीं ना? फूलों के छूने से भी कभी चोट लगती है क्या? छोड़िए। अब क्या छोड़े? शर्माना छोड़िए। वैसे अगर आप चाहें तो हमारा नाम पूछ सकते हैं। छोड़िए, हम खुद ही बता देते हैं। उर्वशी। महेश दास। नहीं, महेश दास नहीं, उर्वशी नाम है हमारा। महेश दास हमारा नाम है। हम यहाँ पर राज नर्तिका है और हम जहाँपना से मिलने आए। छोड़िए। नहीं नहीं, जहाँपना से मिलना नहीं छोड़ सकते। अरे उनसे मिलने तो इतनी दूर से चल के आए हम। रुको, कौन हो तुम और ये महल में कहां से घुसे चले आ रहे हो? नमस्कार, हमारा नाम महेश है। महाराज ने खुद उनसे मिलने के लिए हमें यहां महल में बुलाया। ये देखिए उनकी अंगूठी। फालतू बैठे महाराज, कोई काम धाम नहीं है उनके पास कि जो भी मुंह उठाए चलाएगा? मिलेंगे महाराज, और बाहर दरबारों ने तुम्हें रोका नहीं, तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? ओ, अब समझा, रिश्वत ली होगी उन्होंने तुमसे। इतनी रिश्वत ली? मुझे महाराज से जो भी इनाम मिलेगा उसका 20-20%। अरे मुगल महल के द्वार के दरबान, और सिर्फ 20%? अरे हम भी उन छोटे लोगों की तरह 20% ले? अरे हम मंत्री हैं, मंत्री 40% भी ना ले तो क्या फायदा मंत्री होने का? सही कहा आपने, जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी रिश्वत। हम वादा करते हैं आपसे कि महाराज से हमें इनाम में जो भी मिलेगा उसका 40% हम आपको दे देंगे। शाबाश। महाराज की जय हो। ओहो, आइए आइए सुरेश दास, आइए। महेश दास। महेश दास, आपसे दोबारा मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपका हमारे इस दरबार में स्वागत है। बलदेव, यही वो इंसान है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। ओ, तो बताइए महेश दास, क्या चाहेंगे आप इनाम में? महाराज, हम जो मांगेंगे क्या वो मिलेगा? गुस्ताख, जानते नहीं किसके सामने खड़े हो और किससे बातें कर रहे हो? ऐसा क्या मांग लेंगे आप महेश दास जो हम आपको दे नहीं पाएंगे? हम चाहते हैं कि हमें 50 कोड़े मारे जाएं। आप सच में इनाम में 50 कोड़े खाना चाहते हैं? आपने सही सुना महाराज, हम चाहते हैं कि इनाम में हमें 50 कोड़े मारे जाए। आप तो कह रहे थे कि महाराज ये बहुत ही जहीन आदमी है। ये तो मुझे पागल लगता है। खामोश खरगोश, हम एक बार फिर पूछते हैं, क्या आप सचमुच 50 कोड़े खाना चाहते हैं? जी महाराज। तो ठीक है, ये जो मांग रहे हैं इन्हें दिया जाए, महेश दास को 50 कोड़े मारे जाए। Ah! 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 Ah!
दस में बस क्या हुआ महाशय? आपने तो इनाम में 50 कोड़े मांगे थे, अभी तो 10 ही हुए हैं, अभी से पनाह मांगने लग गए। महाराज, हम चाहते हैं कि बाकी के बचे 40 कोड़े उन दो रिश्वतखोर दरबानों और मंत्री को मारे जाए, जिनसे हमने अपने इनाम में से 20-20 और 40% देने का वादा किया था, और अब वो वादा निभाने का वक्त आ गया, और वादे के मुताबिक मुझे उनका हिस्सा देना होगा। तो बाकी के 40 कोड़ों पर उन दो दरबानों और मंत्री का हक है। ये तुम क्या कह रहे हो महेश दास? मुगल महल में रिश्वत, लेकिन उसकी जरूरत ही क्या है? फरियादी घंटा बजाकर कोई भी आकर हमसे मिल सकता है। हमने कोशिश की थी महाराज, मगर फरियादी घंटा बंद पड़ा है। अरे बलदेव, फरियादी घंटा तो अभी अभी हमने ठीक करवाया है। ओ हो, फरियादी घंटा अगर ठीक हो गया तो इन रिश्वतखोरों की दुकान कैसे चलेगी? हम हुक्म देते हैं इन रिश्वतखोरों को अभी के अभी यहां पर लाया जाए, और बचे कुचे 40 कोड़े उन्हें मारे जाए, और हमारी तरफ से 100 कोड़े और। हुक्म की तामील हो। तानसेन, मारो। वाह 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 महेश दास, वाह, सुभान अल्लाह, क्या अनोखा तरीका ढूंढा है तुमने इन रिश्वतखोरों को सबक सिखाने का। अकलमंदी और इंसाफ का बेमिसाल अंदाज पेश किया है तुमने। तुम तो हीरा हो, नायाब हीरा, और हीरे को वहीं होना चाहिए जहां उसकी सही कद्र हो। इसलिए हम मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये ऐलान करते हैं कि महेश दास हमारे रत्नों में शुमार किए जाते हैं। तो बताओ महेश दास, हमारी ये पेशकश तुम्हें कबूल है? महाराज, जो सम्मान आप हमें दे रहे हैं, हमें तो यह भी नहीं पता कि हम उसके योग्य हैं भी या नहीं, पर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनकर आपकी छत्र छाया में आकर और देश की सेवा कर हमें बड़ी खुशी होगी। जो विश्वास आपने हम में दिखाया है, हम कोशिश करेंगे कि उस विश्वास की गरिमा बनाए रखें। महाराज, हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है, हम अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करते हैं। महेश दास, आपका हुआ महाराज। नहीं 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 नहीं, महेश दास नहीं, आज हम तुम्हें एक नए नाम से नवाजेंगे, बीरबल, यानी हाजिर जवाब। आज से आपको बीरबल के नाम से जाना जाएगा। अकबर का ये दरबार तुम्हारा स्वागत करता है बीरबल। शहंशाह अकबर की, बीरबल की, शहंशाह अकबर की, बीरबल की। हमें सरदर्द हुआ है, ये सरदर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। हमारे सरदर्द का कारण है हमारे तख्ते जिगर शहजादे सलीम। ये जो काढ़ा आप लाई है वो हम पी रहे हैं। हाँ तो पीजिए ना, इसमें है ही क्या, बस 4-5 चील के पिसे हुए अंडे, मरे हुए चूहे की राख, घोड़े की लीद, हाँ और क्या, पी जाइए। आज हम आपकी बीमारी का वो इलाज करेंगे, या तो आज आपकी बीमारी नहीं होगी या आप नहीं होंगे। या!